अगर आप भयंकर गर्मी में ये डिजर्ट एक बार बना के पी लोगे या खा लोगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए पैन में हम आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम दूध ले लिए हैं। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम को कर देंगे लो। अब इसमें हम डालेंगे मीठा के लिए 1/3 कप चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा कम बेसी कीजिएगा। दूध उबल रहा है तब हम क्या करेंगे कि एगो बाउल में 2 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। ध्यान रहे कि दूध गर्म नहीं होनी चाहिए, दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म होगी तो लम्स पड़ जाएगी। अब इसे मिक्स कर देंगे और साइड में रखेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे जो कस्टर्ड वाला दूध तैयार किए हैं उसे। तो पहले इसे मिक्स कर लेंगे, नहीं तो तली में बैठ जाती है। दूध में थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। दूध को थोड़ी देर हमें पका लेना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पर हल्का ठंडा करके फ्रिज में 1 घंटा के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम छोटा सा बाउल ले लिए हैं और 1 चम्मच सब्जा सीड ले लेंगे या फिर जिया सीड से पानी डाल करके मिक्स करके इसे 1/2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे सोक के लिए। इसे हम साइड में रखते हैं। अब एक बाउल ले लेंगे, बाउल में हम 1/2 कप साबूदाना डालेंगे। साबूदाना में पानी डाल करके इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। आप चाहे तो इसे सोक भी कर सकते हो। सोक करके बनाओगे तो साबूदाना पकने में कम टाइम लगेगा। मैंने सोक नहीं किया है और इसे गर्म पानी में डाल देंगे जब तक उबालेंगे, जब तक साबूदाना कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट न दिखने लगे तब तक। ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा तो समझ जाइएगा कि साबूदाना पक गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और स्ट्रेनर में डाल के साबूदाना को हम छान लेंगे। इसे अलग रख देंगे और दूध को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटे हो गए हैं, अच्छी तरह से ठंडा हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि दूध को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे छोटा छोटा टुकड़ा में आम काट के 2 ठो हम ले लिए थे और जार का ढक्कन लगाएंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा मैंगो मिल्क तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसका। तो हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाना जो उबाल के रखे थे उसे। जिया सीड भी बहुत अच्छे तरीके से सोक हो गया है तो अब इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, तो कटा हुआ पिस्ता, साथ में काजू और बादाम डाल दिए हैं और चॉप किया हुआ आम डाल दिए हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें ले सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम गिलास में सर्व कर देंगे तो हमारा टेस्टी सा ड्रिंक बनके तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर से डाल देंगे हम फिर से ड्राई फ्रूट और चॉप किया हुआ आम। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं फ्रेंड। चलो बाय।